हिंदू महासभा ने राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल की। ये हिंदू पक्ष की ओर से पहली पिटीशन है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ये याचिका दायर की गई है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए किसी और जगह पर 5 एकड़ जमीन दे दी जाए, इसी को लेकर ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी शिशिर चतुर्वेदी द्वारा हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। इस रिव्यू पिटीशन में मूलतः हमने 4-5 बातें ली हैं। सबसे पहले जो 5 एकड़ मुस्लिम समुदाय सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया है वो गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमने रिव्यू पिटीशन में ये उठाया है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे कमेंट किया है वो गलत किया है, क्योंकि इस पर ना कोई इश्यू बना था ना उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हुए थे, इसलिए वो फाइंडिंग वापस ली जाए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 की घटना को क्रिटिसाइज किया है, हमारा कहना है कि उसका क्रिमिनल ट्रायल पर सबसे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा और 6 दिसंबर 1992 की घटना का अपना बैकग्राउंड है जिसको सुप्रीम कोर्ट को अकाउंट में लेना चाहिए था जब इस मैटर की हियरिंग हो रही थी। इसके अलावा 22/23 की रात को जो मूर्ति रखी गई, जो फाइंडिंग दी गई है, वो भी अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। और सबसे मूलभूत और इंपॉर्टेंट मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को मॉस डिक्लेयर किया है, वो इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है और कोर्ट में जो रिकॉर्ड था उसके अगेंस्ट है। वो सारी बातें हमने रिव्यू में मूलतः उठाई हैं। तो आपको बता दें आज हिंदू महासभा ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और ऐसे में इस रिव्यू पिटीशन के जरिए कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष को जो 5 एकड़ जमीन दी गई है वो ना दी जाए और ये रिव्यू पिटीशन आज हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल कर दी गई है। तो आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी जिनको उन्हें फैसला कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था। ऐसे में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई हिंदू महासभा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बात लगातार हर तरफ से कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार उस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ऐसे में हिंदू महासभा की तरफ से अब रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और हिंदू महासभा की तरफ से ये बात कही गई है कि जो 5 एकड़ जमीन देने की बात कही जा रही है वो सही नहीं है और 5 एकड़ जमीन नहीं दी जानी चाहिए। सुमित उस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, रिव्यू पिटीशन जो है कहा जा रहा है कि आज दाखिल की गई है और साफ इसमें ये कहा गया है कि 5 एकड़ जो जमीन है वो मुस्लिम पक्ष को ना दी जाए, कहीं ना कहीं ये कहा जाए रिव्यू पिटीशन को लेकर, पहले तो इस रिव्यू पिटीशन में और क्या कुछ है और उसके साथ ही अगर ये कहा जाए कि चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है, कहीं ना कहीं उसका ही एक इम्पैक्ट ये कहा जाए कि हिंदू महासभा ने भी ये एक रिव्यू पिटीशन डाल दी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की ओर से अब तक आधी दर्जन जो है वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है और हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए तो पहली पुनर्विचार याचिका जो है वो आज दायर की गई है जो कि हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई है। याचिका में सीधे तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जिस तरह से 1992 की जो घटना पर जो आपने टिप्पणी की है और बाबरी विध्वंस को आपने जो टिप्पणी के जरिए जो व्याख्या की है उस टिप्पणी को हटाया जाए और साथ ही जिस तरह से 5 एकड़ जो जमीन आपने मुस्लिम पक्षों को देने की बात की है उस फैसले को भी आप वापस लें। तो ये दो अहम मांगे जो हैं वो हिंदू महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई है। अब ये जरूर कहा जा सकता है कि पहली जो याचिका है वो हिंदू पक्ष की ओर से आज दाखिल हुई है जो कि हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई है। अब तक अगर बात की जाए तो कम से कम 7 से 8 पुनर्विचार याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई हैं और सबसे अहम बात है क्योंकि इसके बाद क्या और भी पक्ष हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की जाएगी ये भी देखना बेहद अहम होगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि इन तमाम पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा या नहीं ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर पुनर्विचार याचिका जो है उसकी सुनवाई जज अपने चैम्बर में करते हैं और जज चैम्बर में जब सुनवाई होती है तो किसी भी पक्ष का वकील जो है वो नहीं रहता है। तो अभी भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है या फिर सभी पक्षों के सामने है और ये जरूर मांग की जाएगी कि इस पूरे मामले को ओपन कोर्ट में इसकी हेयरिंग हो ताकि सभी जो पक्ष के जो वकील हैं खासकर मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं राजीव धवन वो बहस कर पाए, लेकिन अगर चैम्बर में इसकी सुनवाई होती है तो किसी भी पक्ष की ओर से बहस जो है वो नहीं की जाएगी। तो सबसे अहम बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई करता है या नहीं यह देखना बेहद अहम होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा क्योंकि तमाम पक्षों की ओर से ये मांग की जाएगी कि ओपन कोर्ट में इन तमाम पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका सुमित तमाम जानकारी के लिए।